आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 5 जून। एक्चुअली 1972 से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जा रहा है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एक्चुअली आपको पता है कि इन द मॉडर्न एरा टू द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस एनवायरनमेंट सेव करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वी हैव ऑल क्रॉस्ड आवर लिमिट्स मच अर्लियर। मानव जाति ने अपने सारे नियमों को बहुत पहले क्रॉस कर लिया है, अपने सारे लकीर जो लक्ष्मण रेखा है उसको बहुत पहले क्रॉस कर चुकी है एनवायरनमेंट के केस में। तो आप जिस स्तर का पॉल्यूशन अभी हमारे एनवायरनमेंट में है, जैसे आप दिल्ली में देखते हैं या हमारे आसपास इंडिया में, मतलब पूरी दुनिया में, इंडिया में मतलब पॉल्यूशन का लेवल किस स्तर में है, मतलब दुनिया बाकी चीज़ों में इंडिया किसी चीज़ में रैंक में आई या ना, इट डजंट मैटर, बट पॉल्यूशन में इंडिया एकदम टॉप 10 में एटलीस्ट 5-6 सिटीज़ ऑफ इंडिया हमेशा आते हैं। तो इन्वायरमेंटल मतलब क्योंकि ह्यूमन का जो सर्वाइवल जो अर्थ प्लानट पर एक्चुअली टोटल डिपेंड करता है इन इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि ह्यूमन कितने समय तक इस प्लानट पे रह सकते हैं। क्योंकि जिस हालत से हम जिस तरीके से इन्वायरमेंट को पॉल्यूट किए हैं और जितना इन्वायरमेंट की क्वालिटी को डिग्रेड किए हैं, बहुत मुश्किल है कि मतलब ज़्यादा दिन तक हम सर्वाइव कर सके या हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारी ज़िंदगी इतना आसान, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पॉल्यूशन किस स्तर तक बढ़ चुका है। एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू प्लास्टिक, ओजोन डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बायोडाइवर्सिटी और डेंजर टू बायोडाइवर्सिटी, कितना हैबिटेट लॉसेस, मतलब कितने स्पीसीज हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये सब के सब आज इशू है। और ये सब कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है ये हम सबको पता है। एक्चुअली गलती तो 200-300 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और मतलब जाके अब भी समझ आए तो शायद अभी भी हम बचा लें। और इस COVID-19 में हमको ज़्यादा पता चला है कि हम लोगों ने इन्वायरमेंट का कितना ज़्यादा डिग्रेडेशन कर दिया। तो आप शुरू कीजिए तो एयर पॉल्यूशन से शुरू कीजिए। आपको पता है एयर पॉल्यूशन का लेवल एकदम डेंजरस लिमिट क्रॉस कर चुका है। मतलब कहते हैं लोग कि 18 सिगरेट्स या 30 सिगरेट्स पी के आप जितना मतलब वन टाइम में जितना धुआं लेते हैं उतना आप अपने इन्वायरमेंट से ले रहे हैं। इतना बुरा हालत है कि कई के सिगरेट मतलब दर्जन ऑफ सिगरेट पी के जितना धुआं अपने अंदर लेते हैं उतना एयर पॉल्यूशन से दिल्ली के इन्वायरमेंट में, और आज मैं मुजफ्फरपुर से आई बिलोंग टू, तो मुजफ्फरपुर भी टॉप 10 सिटीज़ में आती है, बनारस, मुजफ्फरपुर, पटना, बिहार के कई सारे सिटीज़ हैं। और यहाँ जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के साइज है, जो PM साइज़ है, वो ज़्यादा वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लंग्स को कितना डैमेज होता होगा। और एयर पॉल्यूशन तो चलिए मतलब हम लोग उतनी वजह नहीं है मतलब, लेकिन नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और शुरू से गवर्नमेंट ये समझी नहीं कि एक्चुअली ये सारे नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो बढ़ते हैं एक्चुअली वही है ना कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हुआ ना, वो नॉनसेंस हुआ, विदाउट एनी सेंस हुआ। हम ये समझे ही नहीं कि हम मतलब सिर्फ वही था कि मैक्सिमम प्रॉफिट मेकिंग की वजह से, आज प्लास्टिक के केस में कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए बस प्लास्टिक के यूज़ को बढ़ाया जा रहा है, बल्कि हमको पता है कि कितना नुकसान दे। वही केस हमारा एयर पॉल्यूशन में है कि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स हम बढ़ाते गए, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री सीधे बढ़ाते गए बिना सोचे समझे कि CO2 कितना हम ऐड करते जा रहे हैं। अब इस CO2 ऐड करने की वजह से आपको पता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपको पता है कि हर टेम्परेचर कितना राइज हो गया, और हर ईयर आपको पता है कि 2019 सबसे वार्मेस्ट ईयर था अब तक, उसके 2020 आप ऐसे देखिएगा 2018, तो रेगुलर आप देखिएगा रेगुलर ग्रेडेशन, मतलब रेगुलर प्रोग्रेस है कि हर साल पिछले साल से या अब तक धरती पे सबसे वार्मेस्ट ईयर प्रूफ होते जा रहे हैं। और इसका वजह सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये सिर्फ हमारी वजह से हुआ, ड्यू टू द लॉट ऑफ वही मतलब अनरिक्वायर्ड गैसेज बींग रिलीज, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एनवायरमेंट, और ये सब हमारी वजह से। उसके बाद CFC, हमने जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कंपाउंड बनाया, जो मतलब हमको पता है कि इतना ज़्यादा एरोसोल इतना ज़्यादा हमने रिलीज़ किया कि फैक्ट्रीज से और डिफरेंट डिफरेंट ये फ्रीज में यूज़ होता है वो CFC एरोसोल, तो आपको पता है कि उसे ओजोन डिप्लेशन में कितना बड़ा रीज़न है। अब तो क्या गवर्नमेंट बैन कर दिए तो बहुत हद तक हालत सुधर गया कि CFC तो लगभग ऑलमोस्ट बैंड है, ये बस ये हो। दूसरा बायोडाइवर्सिटी लॉस, लॉट्स ऑफ स्पीसीज धरती से जा चुके, सिर्फ हमारी वजह से हैबिटेट लॉस, मानव जाति वही किया कि चारों तरफ वही मतलब एक्सपेंशन करता गया, जंगलों को हटा गया अपने यूज के लिए, उसके स्पीसीज बिल्कुल सड़क पे आ गया। आज हमारी वजह से बाघ बिल्कुल खत्म होने पर, ऐसे हजारों स्पीसीज है सिर्फ ह्यूमन स्पीसीज के इंटरवेंशन की वजह से आज वो लोग बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर। पता है इतना गलत है कि आप किसी का घर छीन रहे हैं, बिल्कुल गलत है ये, मतलब उन फॉरेस्ट का, और सिंपल सा बात है जो इकोसिस्टम है पूरा, जो वाटर साइकिल है पूरा डिस्टर्ब हो चुका है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, कई सारे हैबिटेट लॉस हुआ, पूरा कई सारा साइकिल मतलब पूरे इन्वायरमेंट को हमने सिर्फ अपने हरकतों से पूरा डैमेज कर दिया है 100 ऑफ ईयर्स में। उसके बाद फिर वाटर पॉल्यूशन देख ही रहे हैं, सबको पता है कि गंगा का क्या हालत है, पूरा फैक्ट्रीज के रिलीजेस, पूरा गंगा से सारे रिवर्स का, यमुना को देखिए, लोग ये कहते हैं कि इसको कभी साफ नहीं किया जा सकता है। सॉइल को देखिए, इन प्लास्टिक की वजह से यार इतने केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, मतलब इतना ज़्यादा सॉइल पे प्रेशर बढ़ चुका है, फर्टिल मतलब इतना अमाउंट ऑफ क्रॉप्स आपको चाहिए इतने ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन की वजह से कि पूरा सॉइल का क्वालिटी हम लोगों ने पूरा ख़त्म कर दिया, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड सब यूज कर करके, पता है हम लोग को सैलिनेशन की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल ख़त्म होने पर,
जंगल को काटे जा रहे हैं, सॉयल की क्वालिटी को ख़त्म किया जा रहा है, एयर की क्वालिटी को, वाटर की क्वालिटी को, इंडस्ट्री फैक्ट्रीज के लिए बिल्कुल अंधाधुंध ग्रोथ, अंधाधुंध इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हमको करना है बिना कुछ सोचे समझे, एकदम रेकलेस ग्रोथ, एकदम सोचना ही नहीं है हमको, बिल्कुल एकदम नॉनसेंस की तरह एकदम किए जा रहे हैं, वो सारा काम कर रहे हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, ओजोन डिप्लेशन हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, बायोडाइवर्सिटी लॉस, हैबिटेट लॉस, नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लेशन एकदम लार्ज अमाउंट में किए जा रहे हैं बिना सोचे समझे कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन के पास कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, सब हम ही को यूज़ कर लेना है, पूरा हैबिटेट को लॉस करा रहे हैं, पूरा ये आपको वाटर साइकिल, जितने साइकिल्स हैं जो भी बायो जियो केमिकल साइकिल्स होते हैं और ये नेचुरल साइकिल्स जो भी एग्जिस्ट करते हैं, इकोसिस्टम हुआ, इस सब इतना डिस्टर्बेंस सिर्फ हम लोग की वजह से मत पूछो, हर नेचुरल रिसोर्स का क्वालिटी सिर्फ हमारी वजह से डिग्रेड हुआ है बिना सोचे समझे, एनिमल स्पीसीज इतना ज़्यादा सिर्फ हंटिंग और पोचिंग की वजह से उन्हें नाश कर दिए पूरा बिना सोचे समझे कि इससे कितना ज़्यादा नुकसान है, और हर साइकिल अब बारिश टाइम पे नहीं होती और जब होती है तो इतना ज़्यादा होता है कि चारों तरफ फ्लड ही फ्लड है, केरल में देख लीजिए, देहरादून में देख लीजिए, वहाँ फॉरेस्ट वहाँ माउंटेंस में हमारी वजह से सिर्फ जो इतने वजह से उसमें जो ओवर कंस्ट्रक्शन हो रहा था और माउंटेंस में पूरा जो क्रैक्स आ रहा था और हम बिना सोचे समझे पूरा उस कंस्ट्रक्शन किए जा रहे थे, उसका असर हुआ कितना ज़बरदस्त लैंडस्लाइड हुआ कि थाउजेंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल का डेथ हुआ, तो पता है हम लोग को, और ये सब हम लोग की वजह से, ये सब हम लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आज ओवर पॉपुलेशन, इतने बच्चे, इतने लोग ह्यूमन स्पेसिस हो गए, चारों तरफ ज़मीन पे कब्जा किए जा रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन है, सिर्फ अपने को बिना सोचे समझे सारे जंगल हटा रहे, ज़मीन कब्जा किए जा रहे हैं, मतलब वही है कि दिन पे दिन ये बढ़ते जा रहे हैं और इसमें ओवर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है बिना सोचे समझे, रेकलेस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ह्यूमन स्पेसिस, और आपको पता है मालथस का रूल कि नेचर जानता है कि कैसे बैलेंस करना है, और आप देखिए कोविड की वजह से भी ऐसे ही कुछ ना कुछ एपिडेमिक और पैंडेमिक रेगुलर टाइम पे आता जाएगा, कभी भूकंप आएगा और कुछ आएगा और लैक्स ऑफ मतलब ह्यूमन को अपना लाइफ खोना पड़ेगा, तो आप समझिए या तो आप ऐसे मान जाइए या नेचर आपसे मनवाएगी, तो हम लोग खुद नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो नेचर जानती कैसे कंट्रोल करना, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे मेरे इतने देर बोलने का बस यही बात है कि आप समझिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप जो रोड पे कचरा फैला रहे हैं, आप जो नदी में पूजा पाठ के नाम पे जो पूरा गंदगी, गंगा यमुना पूरा गंदा किए जा रहे हैं बिना जाते अपना सारा कचरा नदी में बहा के आते हैं, थोड़ा तो सोचिए, गवर्नमेंट को तो खैर होना ही चाहिए पर हम भी सोचें कि आप प्लास्टिक का इतना ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इतना व्हीकल में आपको पता है पूरा लो ग्रेडेड व्हीकल को यूज कर रहे हैं और बिना किसी फिल्टर के पूरा चारों तरफ धुआं धुआं छोड़ रहे हैं, अभी भी गैस के जमा होते हुए लकड़ी वाला चूल्हा यूज कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा में जो क्रॉप्स को जला के दिल्ली में पॉल्यूशन लाते हैं, ये सब हमारा किया हुआ है, कोई अलग से नहीं है, सब हम कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइज पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा ओवर इरीगेशन की वजह से सॉइल करना पूरा सैलिनिटी बढ़ता है और उसका हमेशा के लिए फर्टिलिटी खत्म होता है, ये सब हमारा किया हुआ है, कॉमन आदमी का गलती है, ये ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट, ये हमको कंट्रोल करना है, सब बहुत सारा हरकत है, सबसे ज़्यादा नदी को गंदा करना, आप देखिए सारा कचरा हम लोग फैलाते हैं बिना सोचे समझे, पता है गलत है फिर भी कर रहे हैं, एयर में आप देखिए, आपको पता है कि फ़िल्टर या जो पुराना गाड़ी हो चुका है उसको बंद कीजिए फिर भी आप यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक का इतना ज़्यादा यूज करते हैं, सॉयल में पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड एकदम भरे जा रहे हैं हर तरफ से, क्रॉप्स में से पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड प्रोडक्शन के लिए, आपको पता है ऑक्सीटोक्सिन का कितना यूज करते हैं हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसे ऑक्सीटोक्सिन के वाले जो प्रोडक्ट्स खाइएगा उससे आपको एलर्जी होगा, गजब का एलर्जिक रिस्पॉन्स आपके शरीर शो करता है, ये सिर्फ हमारा क्या हुआ, एक आदमी दूसरे आदमी को मारने को तैयार है ड्यू टू मोर प्रॉफिट, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट कमाना पर मोर प्रॉफिट मेकिंग, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे मेरे कहने का यही सेंस है कि सारे की वजह हम ही हैं, ये हैबिटेट लॉस, सारे जानवर के स्पीसीज के जो एनिमल स्पीसीज उनका हैबिटेट को हम छीन रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम को बिगाड़ दिए हैं, जो बायोकेमिकल साइकिल्स और बायो जियोकेमिकल साइकिल से पूरा बिगड़ चुका है, इवेपोरेशन वाटर साइकिल एयर साइकिल ये सब जो है सब कुछ बिगाड़ चुके हैं, इतना लॉट्स ऑफ केमिकल्स को हम सॉइल और वाटर में ऐड कर रहे हैं सिर्फ अपनी वजह से, इंडस्ट्री फैक्ट्रीज अंधाधुंध ग्रोथ, चारों तरफ से प्रोडक्शन करना है बिना सोचे समझे किस एनवायरमेंट के, सस्टेन अपने बच्चों को हम क्या दे रहे हैं, पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हो रही है, पर अपना भी तो सेंस है ना कि जब सब कुछ आप ही यूज कर लेंगे तो आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या बचेगा, सारे रिसोर्सेज का क्वालिटी खत्म कर दे, सारे रिसोर्सेज को डिप्लेट कर रहे हैं, सब कुछ खुद ही यूज कर रहे हैं, भाई ओजोन को ख़त्म कर दीजिएगा आप, नंबर ऑफ कैंसर रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से कितना आपको पता है, इस CFC की वजह से आपको पता है ओजोन डिप्लेशन होता है, आपको पता है कि फॉरेस्ट के काटने से पूरा बारिश की संख्या कितनी कम हो जाती है, पूरा जो ये जो मानसून का टाइमिंग और जो नंबर ऑफ रेन मतलब अमाउंट ऑफ रेन जो साल पूरा वैरी कर जा रहा है, पूरा पता ही नहीं कब कितना बारिश हो, जब होता है तो इतना होता है कि चारों तरफ फ्लड ही फ्लड, इतना लाइफ लॉस होता है, मटेरियल प्रॉपर्टी लॉस सब कुछ, इतना जान माल की हानि हर तरफ, गवर्नमेंट कितना कंट्रोल करे, कभी कश्मीर में बाढ़, कभी केरल में बाढ़, कभी तमिलनाडु में बाढ़, इतना ज़्यादा लाइफ लॉस की मत पूछिए, और ये सिर्फ हम लोग की वजह से, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट पे और ये हमेशा हाथ डाले कि मोर एंड फोर फॉरेस्ट को रोपिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए कि सिर्फ आपकी वजह से सारी धरती खतरे में, जितना फॉरेस्ट ग्रो कर सकते हैं उतना कराइए अपनी ज़मीन पे, जितना पॉसिबल अपने आसपास प्लांटेशन कीजिए, पॉपुलेशन कंट्रोल कीजिए और हमेशा ऑर्गेनिक टाइप ऑफ लाइफ जीने का कोशिश करें, ऑर्गेनिक टाइप ऑफ फार्मिंग का यूज करना चाहें अपने आसपास प्लांटेशन हमेशा चाहे, नेचुरल डिपेंडेंट टाइप ऑफ लाइफ बनाए अपना, ग्रीन सामान का यूज करें,
आप ग्रीन प्रोडक्ट्स का यूज़ करें, आप समझें अपने इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल, अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाएं, आप प्लास्टिक के यूज को रोकिए, नदी में कचरा मत फैलाइए, इधर उधर गंदा मत फैलाइए, आप समझिए। अंटिल वी विल नॉट अंडरस्टैंड आवर अर्थ विल नॉट बी हैबिटेबल फॉर ह्यूमन स्पीसीज, नाइदर फॉर अस नाइदर फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड सो आवर मतलब हम उस कगार पे शायद पहुंच चुके हैं जब मानव जाति इस धरती पे नहीं रहेगी, तो डायनासोर हम भी बन सकते हैं। आप समझिए कि अब वर्ड्स ऑफ एक्सटेंशन पे पहुंचने का जरूरत नहीं है, समझ जाइए हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। छोटे छोटे शहरों में पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आप कहाँ नहीं जा सकते, और सिर्फ हमारे आपकी वजह से। इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन यार, इतना गंदा धुंध, सीधे उसके कॉन्क्रीट जो पार्टिकल्स है पूरे हवा में उड़ रहे हैं भाई, बिना सोचे समझे। क्या गवर्नमेंट अलग बात है, पर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग समझिए कि कितना बुरा हालत हो चुका है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे मेरे मतलब इतना बोलने का बस यही पर्पस है कि थोड़ा आप समझिए, थोड़ा समझिए, मतलब जो गलती हम कर रहे हैं अपने नदी में, अपने प्लास्टिक जो फैला रहे हैं या जो छोटे छोटे गंदी हरकत है उसको बंद करें और समझें। पूजा पाठ मतलब गंगा माँ के समान है, यमुना नदी हमारे लिए माँ के समान है नदियाँ, और हम उसकी क्वालिटी को पूरा डिग्रेड कर रहे हैं सिर्फ अपने यूज के लिए, अपने सोच की वजह से। तो समझिए कितना बुरा हालत है, और हालत सचमुच है बहुत बुरा। आप देख सकते हैं दिल्ली में मतलब इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन बढ़ चुका है, बाकी शहरों में ज़िंदगी जीना मुश्किल है, बाहर बिना मास्क के आप चल नहीं सकते, लोगों को इतने सालों के बाद आकाश ब्लू दिखाई दे रहा है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ा चुका है। अब दिल्ली में जाके रखी है, शाम में आपको पता चलेगा कि फॉग हो जाता है गर्मी के टाइम में सिर्फ डस्ट और गंदगी की वजह से। तो आप सोचिए सब कुछ हमारा खुद का किया हुआ। पंजाब हरियाणा के किसान मान ही नहीं रहे हैं, वो पूरा जलाते हैं भूसा और उसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता है। भाई कब समझिएगा आप, आपको पता है कि उन सब चीज़ों को रीयूज किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि शायद यूज पार्ट चीज़ों को यूज करके नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, पेपर्स बन सकता है, और पता नहीं हम लोग कब से इतना समझदार हो इतना समझे। देखिए एक्चुअली हमारे में प्रॉब्लम है ना कि हम कल मतलब किसी चीज़ को इतना अर्जेंट नहीं समझते, हम ये समझते अच्छा होता रहेगा, होता है, ऐसा नहीं चलेगा। अंटिल आप ये समझेंगे कल ही हमको ये चेंज है, इतनी ज़रूरी है, तो इन्वायरमेंटल इशू सचमुच में एकदम सर पे आ चुका है, अगर आप आज नहीं सुधरे तो दिक्कत बहुत ज़्यादा होगा। जैसे प्लास्टिक के केस में देखिए गवर्नमेंट्स बैन ही नहीं कर रही, तो अगर हम आप नहीं समझेंगे ना तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला। तो टाइम आ गया है कि जग जाइए और इस इन्वायरमेंट को बचाने की मुहिम में हाथ मिलाइए और कोशिश कीजिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, यू वांट टू कमेंट प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन, आई वेलकम योर कमेंट्स, थैंक्स।